नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूँ पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट भर्ती परीक्षा के लिए। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हूबहू पेपर आपके सामने आ चुका है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लेके आ चुका हूँ और दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्लास होगी आज की आप लोगों के लिए। इससे पहले भी मैं बहुत सारी क्लासें डाल चुका हूँ तो वो जाकर के आप एक बार जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट बना दिया मैंने। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है? तो झुंझुनू जिले में कौन सा जो है संरक्षित क्षेत्र नहीं है वो आपको बताना है। तो गोगेलाव दोस्तों कहाँ पर नहीं है? झुंझुनू में नहीं है, क्योंकि गोगेलाव कहाँ पर पड़ता है? नागौर में। गोगेलाव कहाँ है? नागौर में। जबकि बीड, मनसा माता, शाकंभरी ये सब झुंझुनू में है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर ये रहा, श्यामपुरा और बाट नहरें संबंधित है। श्यामपुरा और बाट नहरें संबंधित है तो किससे संबंधित है श्यामपुरा और बाट नहरें? तो जय सम्बन्ध झील से संबंधित है, ये आप लोगों को याद रखना है। जय सम्बन्ध झील, इसका निर्माण 1685 में महाराणा जय सिंह ने करवाया था और इसमें डेबर दर्रे के द्वारा पानी आता है, इसलिए जय सम्बन्ध झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। और एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की कृत्रिम झील है, ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की, तो ये भी आप लोग याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है मित्रों, इसमें सात बड़े टापू, सबसे छोटे का नाम प्यारी है, सबसे बड़े का नाम बाबा का भांगड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट जो भी थे मैंने आपको बता दिया इस झील से संबंधित। राजस्थान की बाका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाला है आपके पशु परिचर में। राजस्थान की बाका पट्टी किस समस्या से ग्रसित चल रही है? तो जवाब हो जाएगा फ्लोराइड से। किससे संबंधित समस्या संबंधित है? फ्लोराइड से समस्या से ग्रसित है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, सिंचाई परियोजना और स्थान दे रखा है यहाँ पर, सिंचाई परियोजना स्थान जीरा दे रखा है, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। चलो बंथली परियोजना बारा में है, बाकली परियोजना जालौर में, भीमतल बूंदी में, परंतु आपको बताया इंदिरा लिफ्ट परियोजना ये गंगानगर में नहीं है। ठीक है, इंदिरा लिफ्ट परियोजना कहाँ है? सवाई माधोपुर में। इंदिरा लिफ्ट परियोजना है सवाई माधोपुर में, तो याद रखना गंगानगर में नहीं है, गंगानगर में इंदिरा गांधी है। ठीक है ना, इंदिरा गांधी लिफ्ट नगर है वह, ये परियोजना ये है सवाई माधोपुर में। गरासिया जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा है? तो मैंने कल भी करवाया था क्वेश्चन कि गरासिया जनजाति का विवाह है एक मोर बंदिया, क्या है? विवाह है, बताया था कि नहीं? बिल्कुल, तो गरासिया जनजाति का विवाह से संबंधित रीति रिवाज है मोर बंदिया। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी शहरी सॉरी इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना का संबंध किससे? तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का संबंध किससे है तो यह आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रजनन आयु की जो लड़कियां हैं और जो प्रजनन आयु की जो है महिलाएं हैं उनको मुफ्त में सेनेटरी नेपकिन दिया जाता है। हर महीने कितने नेपकिन दिए जाते हैं सेनेटरी नेपकिन? हर महीने 12 सेनेटरी नेपकिन दिए जाते हैं महिलाओं को और 12 साल से बड़ी ज़्यादा उम्र की लड़कियों को, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलो अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? तो गोडवाड़ी बोली कहाँ पर बोलते हैं? तो गोडवाड़ी बोली बोलते हैं जालौर में। कहाँ पर बोलते हैं मित्रों? गोडवाड़ी बोली बोली जाती है जालौर में। अगला प्रश्न है, टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खाने किस खनन हेतु जानी जाती है? तो जनकपुरा और कुशालपुरा की जो खाने हैं टोंक में ये किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो यहाँ पर गारनेट का उत्पादन होता है। किसका? गारनेट का उत्पादन होता है यहाँ पर, गारनेट मतलब तांबड़ा का, तांबड़ा का। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है और इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो सबसे पहले उत्तर में आपको बताया गंगानगर आता है, फिर बीकानेर आता है, तो फिर कौन सा आता है? जोधपुर, और सबसे नीचे आता है जालौर। तो जवाब हो जाएगा इस प्रकार 1-4-3-2, तो ये वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस जिले में जिप्सी पेरस मृदा मिलती है? तो जिप्सी पेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? तो जिप्सी पेरस मृदा पाई जाती है बीकानेर में
यदि आपसे पूछ रहे रेवेरेना मृदा कहाँ पाई जाती, तो रेवेरेना मृदा पाई जाती है श्री गंगानगर में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बार बार में आते हैं, जिप्सी पेरस मृदा और एक रेवेरेना। तो जिप्सी पेरस तो बीकानेर और रेवेरेना श्री गंगानगर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं, कौन होते हैं बताना है। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, तो वो होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मतलब इस समय मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल शर्मा जी है, तो वही होंगे। जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, तो वैसे ही यहाँ पर भी जो पर्यटन सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। पृथ्वीराज की जो है 12 खंभों की छतरी निम्न में से किस किले में स्थित है, तो पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कहाँ है, तो पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है कुंभलगढ़ के किले में। कहाँ पर है, कुंभलगढ़ के किले में है, ये भी आपको याद रखना है, कुंभलगढ़ के किले में पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल बांड का संबंध किस लोक कला से, और जानकी लाल बांड को भी पद्मश्री भी मिला है दोस्तों, क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है जानकी लाल बांड को। तो दोस्तों ये क्या है, जानकी लाल बांड जाने जाते हैं दोस्तों, ये किसके लिए जाने जाते हैं, स्वांग कला के लिए। किसके लिए, स्वांग कला मतलब बहरू के रूप धारण करते हैं और ये महिलाओं के भेष में मतलब अपना स्वांग रचाते हैं, महिला बनकर के स्वांग रचाते हैं जानकी लाल बांड जी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ की स्थानांतरण अजमेर हुआ, तो राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर कब हुआ था, आपको बताया राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई थी, वर्धा कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से फिर ट्रांसफर हुआ था अजमेर में, तो अजमेर में कब ट्रांसफर हुआ ये आपको बताना है। तो 1920 में दोस्तों ट्रांसफर हो गया था, और इसकी उद्घाटन कब हुआ था, वर्धा में महाराष्ट्र में 1919 में, फिर एक साल बाद ही दोस्तों अजमेर इसको ट्रांसफर कर दिया था, तो ये भी आप याद रखना। प्रश्न है अगला आप लोगों के लिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है, यानी कि शिशु लिंगानुपात बच्चों का लिंगानुपात आपको बताना है, तो बच्चों का अनुपात है 888 याद रखना, 888 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, अमन ओस बोरो किस फसल से संबंधित है, अमन हो गया, ओस हो गया, बोरो हो गया, ये कौन सी फसल से संबंधित है, चलो बताओ, जवाब हो जाएगा चावल से संबंधित है, किससे, चावल से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे छोटा लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि भारत में जो सबसे छोटी लंबाई यानी कि सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो जाएगा NH 966B आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, लीजिएगा ये रहा, निम्नलिखित में से किसे भूदान कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया, तो भूदान हो गया, कूपदान हो गया, इन कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी रखने के कारण भारत सरकार ने दोस्तों 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, तो किसको किया था, जानकी देवी बजाज को, किसको, जानकी देवी बजाज को दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है, दोस्तों मतलब वहाँ पर राजा तो शिकार करते थे जो करते ही थे, परंतु महिलाओं को भी शिकार करते हुए इस चित्र जो स्कूल पेंटिंग है चित्र शैली है यहाँ पर दिखाया गया है, तो कोटा में दोस्तों महिलाओं को भी शिकार करते हुए दृश्य के साथ दिखाए गए हैं, शानदार चित्र, और यहाँ के प्रमुख चित्रकार है रघुनाथ है, गोविंद राम है, डालू है, लच्छी राम है, नूर मोहम्मद है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ का स्वर्ण काल कब था, कोटा शैली का जो स्वर्ण काल था वो उमेद सिंह के काल को यहाँ का स्वर्ण काल माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई फवारा सिंचाई अनिवार्य कर दी है, यानी कि आप यहाँ सीधा जैसे ट्यूबवेल वगैरह चला करके सीधा नहर में से पानी लेते हैं ना, तो वैसे आप खेत में छोड़ देते हैं और जब पी जाता है तब आप हो गया काम, ऐसा नहीं, यहाँ पर आपको फुहारा वाला लगाना पड़ेगा, ड्रिप सिंचाई लगाना पड़ेगा, जो घूम घूम के पानी फेंकता रहता है वो लगाना पड़ेगा, या फिर बूंद बूंद सिंचाई वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा। ये कौन सी में किया गया, तो नर्मदा नहर जो परियोजना है दोस्तों इसमें किया गया है, और नर्मदा नहर परियोजना कहाँ पर है, आपके अभी तो
सांचौर में, अब पहले जालौर में आता था, अब सांचौर और आपके बाड़मेर में। कहाँ पर इसके पानी की सुविधा होती है इसको, तो सांचौर और बाड़मेर दो जिलों में लाभान्वित होते हैं इससे, नर्मदा नहर परियोजना से। चलो मित्रों अगला प्रश्न, रूपायन संस्था कहाँ है, तो रूपायन संस्था पूछी गई है। अब बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि सर रूपायन संस्था जोधपुर में, अब जोधपुर तो कोई ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा है यहाँ बच्चों को, तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आपको याद ये भी रखना है कि बोरुंदा, देखो बहुत से आंसर दे रखे हैं सारे के सारे, तो बोरुंदा जोधपुर क्या हो जाएगा, बोरुंदा जोधपुर आपका सही जवाब होगा, तो ये भी आप याद रखना। सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है, सहजोबाई हो गई, दयाबाई हो गई, इन दोनों का संबंध एक ही संप्रदाय से है, कौन से संप्रदाय से है, तो चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई और दयाबाई दोनों जो है चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है, और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है, चरणदासी संप्रदाय की दिल्ली में है, प्रमुख पीठ कहाँ है, दिल्ली में है। राजस्थान में अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य क्या है, जो अंत्योदय योजना चलती है हमारे राजस्थान में, इस अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न, कतौड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है, कतौड़ी जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कतौड़ी जनजाति पाई जाती है उदयपुर वाले क्षेत्र में, कहां पर, उदयपुर वाले क्षेत्र में। अगला प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी, तो चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राव जोधा के द्वारा चामुंडा माता का मंदिर। आप कभी मेहरानगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में गए हो, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में गए हो, तो आपने वहां पर चामुंडा माता के भी दर्शन किए होंगे। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग को दोस्तों अलग अलग नामों से जाना जाता है, जोधपुर का दुर्ग हो गया, मेहरानगढ़ दुर्ग हो गया, चिड़िया टोक दुर्ग हो गया, तो इसको अन्य नामों से जाना जाता है, और राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। अलवर के किस शासक के समय नीमूचाणा कांड हुआ था, तो आपको पता होगा नीमूचाणा कांड हुआ था 14 मई को, कब हुआ था, 14 मई 1925 को, नीमूचाणा हत्याकांड, जिसको महात्मा गांधी ने डबल डायर की संज्ञा दी थी, दोहरी चलियावाला हत्याकांड की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी जी ने। तो दोस्तों यहाँ पर यह आंदोलन चल रहा था, इसी कारण यहाँ पर फिर गोलियों की जो है ये दे दी कि छूट चलाओ गोलियां, तो यहाँ पर ये जो है उस समय शासक कौन था, तो महाराजा जय सिंह थे, कौन थे, महाराजा जय सिंह, और इसका नेतृत्व करता कौन थे, तो सीता देवी और माधो सिंह थे। यहाँ पर जो गोलियां चलाई थी वो किसने चलाई थी, छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई थी, किसने, छज्जू सिंह ने। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण दिया, तो ब्लू पोल्ट्री, तो आपको पता है ब्लू पोल्ट्री का नाम आते जयपुर तो आना चाहिए, तो मेवाड़ तो होगा ही नहीं, मेवाड़ आ रहा है, दोनों में गलत कर दो। अब बचे दोनों ये, अब इन दोनों में से दिमाग लगाओ, यानी कि तुक्का लगाना है तो 50-50 का लगाओ, ठीक है, तो जवाब हो जाएगा जयपुर के सवाई राम सिंह ने, दोस्त सेकंड ने दोस्तों ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण दिया था और जयपुर के थे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पशु परिचर वाले विद्यार्थियों के लिए, शानदार, आप रट लीजिएगा, एकदम याद कर लो इनको। राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है, चलिएगा बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा, शहरी सड़कें सम्मिलित नहीं, जबकि किसानों को सहयोग करना है, श्रमिक कल्याण, गरीबी उन्मूलन, ये सब 20 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित है, शहरी सड़कें इसका संबंध नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिप्त नहरों की संख्या कितनी है, तो इंदिरा गांधी नहर में जो है लिप्त नहरों की संख्या है 7, कितनी है, 7। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है, 25,000 रुपये का, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ आप लोगों को एक दिन। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो 2021 में। जय सिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेदशाला नहीं बनवाई, यानी कि इन्होंने 5 वेदशाला बनवाई थी, अब 5 में से कौन सी है इनमें से जो नहीं बनवाई थी जय सिंह ने वेदशाला। सबसे पुरानी वेदशाला है आपको याद रखना है दिल्ली, सबसे बड़ी वेदशाला है आपके जयपुर, ठीक है ना, ये आप याद रखना। तो ये कहाँ नहीं बनवाई थी आप फटाफट बता सकते हो, आगरा में नहीं बनवाई, कहाँ कहाँ बनवाई थी, दिल्ली में बनवाई, जयपुर में बनवाई, मथुरा में बनवाई, उज्जैन में बनाई और बनारस में बनाई, ठीक है, ये आप लोग याद रखना, ये 5 जगह बनवाई थी।
राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले भी करवा चुका हूँ एक दिन पहले, मतलब क्वेश्चन आपको बताया रिपीटेड होते हैं, आप याद रख लीजिए, रट्टा मार लीजिएगा। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बूंदी में है। अगला प्रश्न, साहित्य और साहित्यकार युग्म को असंगत छांटिए, तो अमर सागर पंडित जीवाधार की है, राज प्रकाश किशोरदास की, बाबू प्रकाश मोरजी आसिया का है, परंतु ये गलत है, राजवल्लभ महाराणा कुंभा गलत है। तो राजवल्लभ के रचयिता कौन है? मंडन है। कौन है? मंडन है, सॉरी मंडन हो जाएगा, ठीक है ना, मंडन इसके हो जाएगा, जो कुंभा का शिल्पी था मंडन, तो वो उस मंडन की रचयिता है, रचना है राजवल्लभ, ना कि महाराणा कुंभा। राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? तो औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक प्राप्त करता है इनमें से 12, इसे 12 माना है, परंतु मेरे हिसाब से जो औसत वार्षिक वर्षा सबसे ज्यादा प्राप्त करता है वो झालावाड़ होगा, मतलब बोर्ड की जो आंसर की तो 12 माना था, परंतु 12 हो नहीं सकता, झालावाड़ होगा। क्या होगा? झालावाड़ होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? क्या निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान जायद के मौसम की उत्पादित नहीं मानी जाती? जायद मतलब जो तीन टाइप, राजस्थान में कितने प्रकार की फसलें होती है? तीन प्रकार की, रबी, खरीफ और जायद, जो गर्मी में होती है वो जायद होती है, तो जायद की कौन सी फसल नहीं है इनमें से? तो सोयाबीन जायद की फसल नहीं है, जायद की नहीं है, जबकि ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूज है। ठीक है मित्रों, चलो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं, बस आप इनको याद कर लीजिए, जितना भी आपको बता रहा हूं मैं, बस पशु परिचर बनना है। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक महाराणा कुंभा है, तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक महाराणा कुंभा है, जवाब हो जाएगा गौरीशंकर वीराचंद ओझा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिप्ट घाटी में बहती है? कौन सी नदी है जो रिप्ट घाटी में बहती है? जवाब हो जाएगा नर्मदा। क्या? नर्मदा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोपा बीज का समर्थन मूल्य कितना है? तो जेट्रोपा बीज का समर्थन मूल्य 8.50 रुपये प्रति केजी। अगला प्रश्न, राजस्थान में वर्तमान लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन? प्रताप कृष्ण लोहरा है। अगला प्रश्न, राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? उप मुख्यमंत्रियों के बारे में जोड़ी सुमेलित है कमला बेनीवाल, जिनका अभी हाल में निधन हो गया है, और सचिन पायलट, ये एकदम सही जोड़ी है। अगला प्रश्न, मेवाड़ राज्य में महकमा काश की स्थापना की थी? तो महकमा काश की स्थापना की थी महाराणा शंभू सिंह ने। मेवाड़ राज्य में महकमा काश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी महाराणा शंभू सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न बताना है, प्राचीन अंचल और आप प्राचीन अंचल आधुनिक और जिला जो सुमेलित नहीं है वो आप लोग बताएंगे। जवाब जैसे कि शिव चित्तौड़गढ़ उदयपुर में पड़ता है, अबुर्द देश किसको कहते हैं? सिरोही को, सपाद लक्ष कहते हैं अजमेर नागौर को, वागड़ दोस्तों सीकर झुंझुनू को नहीं कहते। तो वागड़ किसको कहते? तो वागड़ कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको वागड़ कहा जाता है, ना कि सीकर झुंझुनू को। अगला प्रश्न, सीकर झुंझुनू को तो शेखावाटी कहते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो स्टेपी जलवायु पाई जाती है बाड़मेर, जालौर और जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, राजस्थान के राज्यपाल पूर्व पद सही नहीं है, जो सही नहीं है वह आपको बताना है। चलो, कलराज मिश्र केवल कहाँ के राज्यपाल थे? कलराज मिश्र पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे, तो कहाँ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे, तो ये गलत है। कल्याण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, राम नाईक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, परंतु कलराज मिश्र का यहाँ पर गलत दे रखा है, जो हमें अपने वर्तमान राज्यपाल भी है। ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है? ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है जालौर।
जाबालीपुर का आधुनिक नाम किसका है? जालौर का आधुनिक नाम है जाबालीपुर। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके आप सभी विद्यार्थी बताएंगे कि सर आपने जो आज क्वेश्चन करवाए वो कैसे लगे, आप बता दो मुझे फटाफट कमेंट करके। तो दोस्तों अपन ने लगभग 50 क्वेश्चन आज किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे, और आप लोग मैं आशा करता हूँ कि आप कमेंट कर दो तो मुझे अच्छा लगेगा। और दोस्तों किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मुझे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8290 37 23 59, इस पे आप जो है मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। और आप लोग दोस्तों व्हाट्सअप स्टेटस लगाया करो जो मैं आपको पढ़ाता हूँ इन क्लासों का, ताकि और भी अपने जो मित्र हैं वो भी देख सकें। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वह जरूर देख लेना। धन्यवाद।